अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोग खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। आज की जो मेडिसिन है होम्योपैथिक में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा तरीके से होता है। उस मेडिसिन का नाम है लोलियम टैमुलेंटम। इस मेडिसिन को हर बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दर्द में, चाहे वो लंगड़ी का दर्द हो या फालिश की फर्स्ट स्टेज हो या थकान की वजह से और बेचैनी हो और बेकरारी हो। अब बात करते हैं इसके सर की। सर बहुत ज़्यादा भारी रहता है और ये जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा अफसरदा रहता है और इसके दिमाग में ख्यालात आते रहते हैं, फ़िक्रमंदी के ख्यालात को सोचता रहता है और बहुत ज़्यादा गुस्सीला होता है, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको आंखें बंद करनी पड़ती है। जब इसको चक्कर आते हैं तो इसे आंखें बंद करना पड़ती है, इतने शदीद चक्कर होते हैं। और सर भारी भारी रहता है, सर में पेशानी की साइड पे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और सर के बाल ऐसे लगता है जैसे कोई खींच रहा हो, इस टाइप का सर दर्द होता है। कानों में शोर और गुल की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, कानों में दर्द होता है जो सर में भी महसूस होता है। कानों में बहुत ज़्यादा शोर होता है और ये दवा टेनिटिस के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। इस दवा को टेनिटिस के तमाम तर अलामत में इस्तेमाल करें, फ़ायदा बहुत होगा और बहुत 100% के पेट की बात करें तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द और उभारा होता है। खाना खाने के बाद मतली और के आती है लेकिन उल्टी नहीं होती। मैदा और पेट में शदीद दर्द होता है और शदीद मोशन होते हैं और जिसकी वजह से उसे बेचैनी और बेकरारी होती है। गैर मुतवाजन चाल होती है क्योंकि सर में दर्द होता है, चक्कर के अलामात इस मरीज़ में होते हैं, इसलिए इसकी चाल और ढाल में फ़र्क महसूस होता है। तमाम अज़ा कांपते हैं, इसकी जिस्मानी कुव्वत ख़त्म हो जाती है। पिंडलियों में शदीद दर्द जैसे रस्सी बंदी हो, अतराफ में ठंडा महसूस होता है, हाथ पांव ठंडे होते हैं, पानी का गिलास पकड़ नहीं सकता क्योंकि हाथों में कपकपाहट बहुत ज़्यादा होती है, फालिश की वजह से हाथ कांपते हैं। अब इसकी डोज की बात कर रहे हैं तो लोलियम टैमुलेंटम को 6 EH में इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर और शाम 10-10 बूंदे। बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो लोग मेरे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया।